हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड की, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर टॉपिक है ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, इसके बाद इसका कंपोजिशन और इसकी ब्लड सेल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले ब्लड इज अ सर्कुलेटिंग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एनाटॉमिकली ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। एनाटॉमिकली देखा जाए तो क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स। ब्लड क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स क्या ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या है, कलर रेंज, इसके कलर रेंज देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड इज स्कारलेट रेड कलर। जो ऑक्सीजन रिच मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, वो ब्लड का कलर कौन सा होता है, स्कारलेट रेड कलर का होता है। इसके बाद हाइपोक्समिया, जो कंडीशन होती है अबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो इसे हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं, जिसमें ब्लड का रंग डल हो जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसको कहेंगे हाइपोक्सीमिया। ठीक है, एक होता है हाइपोक्सिया, सिर्फ हाइपोक्सिया जिसमें टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है, एक होता है हाइपोक्सीमिया, जिसमें ब्लड आ गया। ठीक है, इसका पीएच देखेंगे 7.35 से 7.45 होता है। ये ब्लड एल्केलाइन होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का। इसके वॉल्यूम देखेंगे इसकी, इन नॉर्मल एडल्ट द ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट, मेल में कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है, और फीमेल में होती है 4 से 5 लीटर। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। अब इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.06। ठीक है, इसका टेम्परेचर ऑफ द ब्लड कितना होता है, 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था हमारा इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका कंपोजिशन ऑफ द ब्लड देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या है, ब्लड कंपोनेंट कंपोज्ड बाय ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ये किससे मिलकर बना होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा मेक 55% ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल मेक 45% ऑफ ब्लड। मतलब 55% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, एंड 45% क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। इसके बाद ब्लड प्लाज्मा इन डेट ब्लड 90 to 92, मतलब 90 से 92% वाटर होता है, मतलब पानी होता है, और 8 से 10% इसमें कंपोनेंट्स होते हैं या फिर सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 10% 7% होता है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 2% होता है हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और 1% होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये था इसका ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट्स। अब फंक्शन ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या है, बफर फंक्शनिंग। सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या है, बफर फंक्शनिंग क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय की जो मात्रा है उसको बराबर रखना, ना ही ज़्यादा अम्लीय होने देना और ना ही ज़्यादा क्षारीय होने देना। इसके बाद ब्लड जो है क्लोटिंग का काम, इसके बाद कौन सा है, ब्लड क्लोटिंग का काम भी करता है। इसके बाद प्रोटेक्शन फंक्शन, प्रोटेक्शन फंक्शन का भी काम करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा ब्लड का फंक्शन। अब देखेंगे ब्लड सेल क्या होती है। सबसे पहले ब्लड सेल डेवलप्ड एंड प्रोडक्शन इन अ बोन मेरो, जो बोन सेल्स होती है वो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का होता है, उनका बोन मेरो में होता है। मोस्टली ब्लड सेल प्रोडक्शन इन बोन मेरो, बोन मेरो में क्या है, ब्लड सेल बनती है। इसके बाद ब्लड सेल मैच्योर इन द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, 11th एंड 12th रिब्स के पीछे एक सेम के आकार का
ऑर्गन होता है उसको कहते हैं स्प्लेन, ठीक है। ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम स्टीम सेल, ब्लड सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती है, स्टीम सेल से, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल इज कॉल्ड हिमेटोपोएसिस, ठीक है। इसके बाद ब्लड सेल कॉमनली थ्री टाइप्स, ब्लड सेल कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है आरबीसी, जिसको कहेंगे रेड ब्लड सेल, सेकेंड होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, एंड थर्ड है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन हमारी कॉमनली सेल्स होती है ब्लड सेल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, इसको जो प्रोसेस होती है आरबीसी की फॉर्मेशन उसको कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी की देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी में क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी, ठीक है। इट इज अ डिस्क लाइक शेप, या फिर इसको बाइकॉनकेव सेल भी कहते हैं, बाइकॉनकेव सेल इसका शेप होता है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये क्या है, फ्लेक्सिबल होती है। साइज ऑफ आरबीसी इन 6 to 8 माइक्रोमीटर्स यानी यूएम। इसके बाद लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है। इट इज मैच्योर इन 7 डेज, ये कितने दिन में मैच्योर हो जाती है, 7 डेज में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, इन डेट आरबीसी न्यूक्लियस आर एब्सेंट, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इट इज नॉट डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई, इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। जो आरबीसी होती है उसका ना सेल मियोसिस होगा और ना माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें कोई प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड कितनी होती है, इन मेल 4.226 मिलियन पर एमएम स्क्वायर, एंड फीमेल में 4 to 5 मिलियन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब 1 आरबीसी बराबर 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, 270 मिलियन, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन बराबर 4 एटम ऑफ आयरन, और एक हीमोग्लोबिन बराबर कितने एटम होते हैं, 4। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है मेल में, 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब होता है पर डेसीलीटर, ठीक है। फीमेल में होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, तो ये था नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। इसके बाद फंक्शन ऑफ द आरबीसी, फंक्शन ऑफ द आरबीसी कितना है, ये तो शॉर्ट तरीका आपको इसमें और भी लिखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीजेंस पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जिससे हमारा ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होता है। आरबीसी मेक द बिलीरुबिन, जो बिलीरुबिन है उसकी वजह से आरबीसी की वजह से बिलीरुबिन बनता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है आरबीसी, ठीक है। अब स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, जो बनती है हमारा आरबीसी सेल कैसे बनती है, सबसे पहले हमारा स्टीम सेल, फिर हेमेटोपोएटिक सेल, इसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर सेकेंड है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, फिर लेट एरिथ्रोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट्स, फिर एरिथ्रोसाइट। मतलब ये स्टेज होती है, सबसे पहले स्टीम सेल होती है हमारे बोन मेरो से, इसके बाद हेमेटोपोएटिक सेल बनेगी, फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, फिर अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, फिर लेट एरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, फिर नॉर्मोब्लास्ट बनेगी, और फिर रेटिकुलोसाइट बनेगी और एरिथ्रोसाइट्स बनेगी। तो ये थी हमारी स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। अब जो एरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसेस होती है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है, 7 दिन में। इट इज प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस कंप्लीट इन बोन मैरो फॉर आरबीसी डेवलपमेंट, जो ये एरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की आरबीसी की, वो कहाँ कंप्लीट होती है, बोन मैरो में होती है। इसके बाद आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। आरबीसी से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ये एक फॉर्मूला है याद करने का, आयरन फोलिकुल
आयरन प्लस O2, इससे FeO2 यानी आयरन ऑक्सीजन नीडेड होता है। ठीक है, इसके बाद इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन इज इम्पोर्टेंट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। जो इरेथ्रोपोएटिन जो हार्मोन होता है वो आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन इज सीक्रेट बाय द किडनी। किडनी के द्वारा क्या होता है, सीक्रेट होता है इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो ये था हमारा इसका प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, और हमने इसमें पढ़ा आरबीसी के बारे में और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जिसमें WBC, प्लेटलेट एंड ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हम बताएंगे। ये आप हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे GNM फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग एंड साइकोलॉजी सोशोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे ब्लड की जो क्लासेज आज की, वो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम जिसमें WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।